हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको महाभारत काल से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के एक बाल से 1000 शिवलिंग पैदा हो सकते हैं? ये बात सुनने में थोड़ी हैरान कर देने वाली लगेगी, लेकिन ये सच है। तो चलिए आपको 1000 शिवलिंग के निर्माण का रहस्य बताते हैं। एक बार की बात है कि नारद मुनि पांडवों से मिले और उनसे कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु बहुत दुखी हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जो वो कर ना सके। तब पांडवों ने यज्ञ कराने का डिसीजन लिया और उसमें भोलेनाथ के भक्त पुरुष मृगा को इनवाइट करने का सोचने लगे। तब उनको ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को दिया गया। इसी के साथ उन्हें आगाह किया गया कि अगर वे पुरुष मृगा से तेज नहीं भाग पाए तो वह उन्हें मार डालेंगे। इस बात को जानकर वे थोड़ा डरे तो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जंगल में शिवजी के भक्त को खोजने निकल पड़े, जिसके बाद उन्हें जंगल में हनुमान जी मिले। उन्होंने भीम को परेशान देखकर पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो भीम ने सारी बातें बजरंग बली को बताई। हनुमान जी ने यह सब सुनकर भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहाँ गिरा देना। ये एक बाल 1000 शिवलिंगों में कन्वर्ट हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव के मुताबिक हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की इस बात से भीम की थोड़ी टेंशन कम हुई और वे अपनी खोज में आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए उन्हें महादेव की स्तुति करते पुरुष मृगा दिखाई पड़े और फिर दोनों में शर्त लगी। तब बीच बीच में भीम बाल गिराते गए और पुरुष मृगा उनकी पूजा करते रहे। तो इस तरह हनुमान जी के एक बाल से 1000 शिवलिंग पैदा होते गए। तो ऐसे ही कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।